दोस्तों, मैं विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और ये लाइव क्लिनिक है। तो चलिए लाइव क्लिनिक चालू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो। आप जो देख पा रहे हैं वो अच्छे से देख पा रहे हो, जो सुन पा रहे हो वो अच्छे से सुन पा रहे हो। लाइव क्लिनिक चालू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया आ रही है, वीडियो और ऑडियो दोनों ही अच्छा आ रहा है और आपको अच्छे से सुनाई और अच्छे से दिखाई भी दे रहा है, तो कोई समस्या नहीं है कनेक्शन में। चलिए लाइव सेशन चालू करते हैं। और सबसे पहले आपने जो थंबनेल देख के आप आए हुए हैं, सबसे पहले एक टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा और आज का टॉपिक है रिंगिंग इन ईयर और उसकी होम्योपैथिक दवा। तो इस टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा, उसके बाद जो भी आप क्वेश्चन करते हैं लाइव चैट में जाके, नॉर्मल चैट या सुपर चैट अगर जल्दी हो तो सुपर चैट, नॉर्मल चैट जो भी आप करते हैं उसके मैं आपको आंसर देता हूँ और अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्या क्या दवा यूज़ करनी चाहिए होम्योपैथी में। लेकिन जो भी मैं मेडिसिन बताऊँ उसे ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा और फिर ही यूज़ करिएगा, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। और चलिए आज का टॉपिक रिंगिंग इन ईयर, मतलब कान में घंटी जैसी आवाज़ आना। घंटी बाहर बज नहीं रही है लेकिन आपके कान में घंटी जैसी आवाज आ रही है। इस कंडीशन को टाइनेटस भी बोलते हैं और यह एक सिम्टम है, लक्षण है। हालांकि टाइनेटस एक तरह की बीमारी ही है, लेकिन रिंगिंग इन ईयर एक सिम्टम है जो कि अलग अलग बीमारियों, कान की बीमारियों में आपको ये सिम्टम महसूस होता है। मोस्टली माइनस डिसीज में सबसे ज़्यादा ये समस्या जो है वो महसूस होती है आपको, और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम महसूस होती है माइनस डिसीज़ में। और माइनस डिसीज़ में आप रिंगिंग इन ईयर बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे गर्मी, सर्द गर्म हो गया उसके बाद भी जो है घंटी जैसी आवाज़ आने लगती है कान में। तो इस प्रॉब्लम का, इस सिम्टम की होम्योपैथी में दो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। पहली है चिनोपोडियम। चिनोपोडियम मोस्टली 6 CH पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। रिंगिंग इन ईयर और टाइनेटस और माइनस डिसीज़, ये तीनों के लिए ही बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव मेडिसिन है चिनोपोडियम। और जब आप चिनोपोडियम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मेडिसिन आपको कैसे कितनी इफेक्टिव है, मतलब उसमें पूरे लक्षण आपको यही मिलेंगे। और अगर आपके कान में साय साय की आवाज़ या घंटी जैसी आवाज़ हमेशा आती रहती है तो चिनोपोडियम ज़रूर यूज़ करके देखें। ये आवाज़ आती है तो दो चीज़ होती है, एक तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, एन्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी एन्जाइटी के कारण भी हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो आपको अगर टाइनेटस की प्रॉब्लम होती है तो दूसरी चीज़ जो होती है वो है कि आप जो नॉर्मल आवाज़ है, जो लोगों की आवाज़ है वो आप कम सुन पाते, उसे कम सुन पाते। तो इसीलिए टाइनेटस की प्रॉब्लम के लिए आपको चिनोपोडियम यूज़ करना चाहिए। चिनोपोडियम 6 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसे आप 2-3 दिन तक यूज़ करके देखिए, आराम लगे तो लगभग 2-3 महीने तक कंटिन्यू करें, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीज़ किस बीमारी के कारण आपको प्रॉब्लम हुई है। अगर बहुत एक्यूट कंडीशन है तो कुछ दिन तक आपको ये दवा लेनी पड़ेगी, अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो आपको कुछ महीने ये दवा लेनी पड़ेगी। दूसरी मेडिसिन है आयरिस वर्सिकोलिस। कुछ दिन पहले मैंने लाइव में, हालांकि वो लाइव जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने लाइव में आयरिस वर्सिकोलिस नाम की मेडिसिन आपको बताई थी। आयरिस वर्सिकोलिस बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है रिंगिंग इन ईयर के लिए, टाइनेटस के लिए और माइनस डिसीज़ में जो ये समस्या होती है उसके लिए। तो तीनों ही कंडीशन के लिए चिनोपोडियम और आयरिस वर्सिकोलिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर माइग्रेन की भी समस्या इसके साथ होती है, मतलब कान में घंटी जैसी आवाज़ आती है और माइग्रेन के कारण आती है, तब तो आयरिस वर्सिकोलिस आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आयरिस वर्सिकोलिस आप 30 CH पोटेंसी में दिन में एक बार लीजिए, कुछ दिन तक लीजिए, आराम लगे तो फिर आप कंटिन्यू करें, लगभग 10-12 दिन तक यूज़ करिए, आराम लगे तो आप ज़रूर कंटिन्यू करें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आयरिस वर्सिकोलिस के। तो ये दो मेडिसिन आप रिंगिंग इन ईयर में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया दवा है। दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। लगी काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ और इसलिए
थोड़ा सा ऑड टाइम पे, मतलब मैं रेगुलरली दोपहर में ही लाइव क्लिनिक करता हूँ, लाइव सेशन करता हूँ, लेकिन आज मैंने शाम को ये टाइम चूज़ किया है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे लाइव करना चाहिए और आप लोगों से वार्तालाप करनी चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। अब चलते हैं सीधा होम्योपैथिक आपके क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट से। तो मैं चैट ऑप्शन ऑन कर देता हूँ और क्वेश्चन लेना चालू कर देता हूँ। चैट ऑप्शन यहाँ से ऑन हो जाएगा और मेरे पास भी ऑन हो जाए ना, तब तो सही रहे। हाँ चलिए, बढ़िया है, चैट ऑप्शन ऑन हो गया है और यहाँ से हम सवाल लेते हैं। अभी लगभग आप लोग 104, 105 लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कनेक्शन बढ़िया जा रहा है, शायद थंबनेल नहीं अपलोड हो पाया इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। तो एक सवाल है सर, 2 साल का बच्चे को एक भी वर्ड नहीं बोलता है। देखिए, सबसे पहले बच्चा सुन पाता है कि नहीं सुन पाता है, ये ज़रूर आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। अगर सुन पाता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, तो उसे आप बराइटा कार्ब 30 एक बूंद सुबह सुबह ज़रूर दें, और कालीफॉस 6x 2 गोली सुबह शाम। बस ये दवा बराइटा कार्ब 30 आप सप्ताह में 2 बार दीजिए, संडे और वेनेसडे डेली नहीं, सप्ताह में 2 बार सुबह सुबह ज़रूर दीजिए, और कालीफॉस डेली दीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लेम जो जी का सवाल है, बवासीर की दवा। देखिए, बवासीर के लिए आप पाइलन 4 ड्रॉप 10 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप मेरा सिद्धांत कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, और साथ में आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 17 यूज़ कर सकते हैं, 6 गोली सुबह दोपहर शाम। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्लीज़ प्रिस्क्राइब द रेमडी फॉर द नेजल फंगल इन्फेक्शन, पैरानेजल फंगस। देखिए, मोस्टली इसके लिए आर्सेनिक या एल्बम 30 CH पोटेंसी में 1 बूंद सुबह सुबह, और R82 तो एलर्जी के लिए होती है, R82 आप 10 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 2 बार लीजिए। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 1 से 2 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइव तो चलने लगा है, वॉचिंग यहाँ पर दिख ही रही है। चलिए लाइव स्ट्रीम, देखिए सर सभी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा आप सभी, और हाँ एक चीज़ और ज़रूर करिएगा कि बने रहिएगा आप जब क्वेश्चन करते हैं, तो फिर बने रहिएगा, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। एक सवाल है, और ये सवाल है सर, चिकन पॉक्स का दाग ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें? देखिए, चिकन पॉक्स का अगर दाग ठीक नहीं हो रहा है तो आप टॉपी बर्बेरी क्रीम सुबह शाम लगाएं, और मार्क्सको क्रीम रात में एक बार लगाएं। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक यूज़ करें, आराम लगे तो इसे 1 से 2 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल है, और ये सवाल है, एक्सेलेंट, यहाँ पर नेट तो बढ़िया चल रहा है और ऑडियो भी आपको सही आ रहा होगा। सर सर मुझे टाइफाइड बार बार होता है, टाइफाइड बार बार होता है, लगभग 3 से 4 महीने में एक बार हो ही जाता है, इंटरनल फीवर बना रहता है, बैप्टिशिया की यूज़ कर रहे हैं? देखिए, बैप्टिशिया के साथ आप इचिनेशिया मदर टिंचर भी यूज़ करें, बैप्टिशिया मदर टिंचर लगभग 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें, और इचिनेशिया मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें, पायरोजिनम 200 2 बूंद रात में यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की जी का सवाल है, सर मेरी मम्मी की जो है वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कहाँ लिखा हुआ है विक्की जी का सवाल, मम्मी को डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है, उसके साथ क्या आपका कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं? SCGC कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया
इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है डायबिटीज़ के लिए, और काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ किए हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो ऐसी जैसी कॉम्बिनेशन आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, और ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 2 से 3 महीने कंटिन्यू करें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी का सवाल है, सर फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉकेज है और दिस इज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्लॉकेज और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज, मेडिसिन, हाँ मेडिसिन एंड वीडियो प्लीज़। देखिए वीडियो ज़रूर आएगा। मेडिसिन AV जो ब्लॉकेज है उसके लिए कालीफॉस 6x 6 गोली सुबह शाम यूज़ करें। क्रेटेगस मदर टिंचर, कैक्टस मदर टिंचर दोनों को मिला के लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार लें, और हाइपेरिकम 1 mg पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह हर संडे डेली ले लें। हाइपेरिकम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेडिसिन आप 15 दिन तक यूज़ करें, आराम लगे तो इसे 1 से 2 महीने कंटिन्यू करें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल है मस्सा, देखिए अगर किसी को मस्से की समस्या है तो थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। थूजा आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम यूज़ करें। थूजा मदर टिंचर आप सुबह शाम लगाएं। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक लें, आराम लगे तो इसे 1 से 2 महीने कंटिन्यू करें। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आप सभी से गुजारिश है, आपका 1 लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लाइक करते हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा। एक सवाल है और ये सवाल है सर, हैश लाइक सर, सवाल है सर बायो कॉम्बिनेशन 28 के साथ एग्नस कास्ट 6 CH में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप बायो कॉम्बिनेशन 28 के साथ आप एग्नस कास्ट 6 CH में यूज़ कर सकते हैं। तो बायो कॉम्बिनेशन 28 आप 6 गोली सुबह शाम यूज़ करें, और एग्नस कास्ट आप 30 CH पोटेंसी में या 6 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और शाम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल है और ये सवाल है सर, प्लीज़ सर लाइपोमा का मेडिसिन बताएं, पेट में हो गया है और बहुत छोटा छोटा सा है। देखिए लाइपोमा के लिए आप फाइटोलक्का बेरी मदर टिंचर 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार लें, और साथ में थूजा 200 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें, और एक एलन की A84 ड्रॉप आती है, बहुत ही बढ़िया ड्रॉप है लाइपोमा के लिए, और मेरे कुछ दिन पहले मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। तो 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणेशन अय्यर जी का सवाल है सर, फीमेल 85 राइट नीज का एक्सरे किया लिया है और ऑस्टियोफाइसिस आर सीन राइजिंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड अपर एंड ऑफ टीबिया एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर आस्पेक्ट ऑफ पटेला, फाइनल कंक्लूजन ऑस्टियोआर्थराइटिस इन नी जॉइंट। देखिए मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए उन्हें ऑस्टियोडीन जेड ड्रॉप लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार दीजिए, साथ में होम्योकेल टैबलेट 2 गोली सुबह दोपहर शाम दीजिए, और मेरा ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला कॉम्बिनेशन भी दीजिए 2 बूंद सुबह दोपहर शाम। रूमाकोन ऑयल ये आता है, इसे लगाने के लिए सुबह शाम दीजिए। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक दीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने कंटिन्यू करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सवाल करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल है और ये सवाल है सर, गणेशन जी का सुपर चैट था, और उसके बाद ये सवाल है सर, यूरिन से पहले वाइट जो सब्सटेंस आता है, देखिए इसके लिए सेबल सोलेटा 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह आप यूज़ कर सकते हैं, और सेबल सोलेटा के साथ आपको एक मेडिसिन और यूज़ करना चाहिए, अश्वगंधा मदर टिंचर, लाइकोपोडियम मदर टिंचर दोनों को मिला के लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार लें, और कैंथेरिस 30 सप्ताह में 2 बार 2 बूंद रात में यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल है
और यहाँ पर एक सवाल है सर, मेरा हाथ पैर में सुन्न पड़ जाता है और जो जख्म आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और रक्स टॉक्स है जब भी लेती हूँ तो लेफ़्ट साइड में। देखिए मुझे लगता है आपको रक्स टॉक्स तो लेना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप R11 भी यूज़ करें। R11 आप 10 बूंद एक चम्मच पानी में सुबह शाम यूज़ करें और जेलसीमियम 200 दो बूंद सुबह शाम यूज़ करें, आर्निका 200 दो बूंद सुबह शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप एक महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल है और ये सवाल है सर, प्लीज़ सजेस्ट द मेडिसिन फॉर द स्क्लेर पेन एंड लेफ्ट साइड वेस्ट से लेकर थाइस तक, 4 महीने से हो रहा है। देखिए मुझे लगता है कि आपको जो दर्द है वो आप जब सेमसिफ्यूगा 200 दो बूंद सुबह सुबह लेंगे और बेलाडोना 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करेंगे और साथ में आप रोडेंड्रॉन 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करेंगे, तो ये मेडिसिन आप 15-20 दिन तक लेंगे तो आपको आराम लगेगा और आराम लगे तो मेडिसिन 1 से 2 महीने कंटिन्यू करें। बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज़ सजेस्ट द मेडिसिन फॉर द, इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ सर, मस्से वाले पाइल्स का क्या इलाज है। देखिए पाइल्स अगर बहुत बाहर निकला हुआ उभरा हुआ हो तो एलोज बहुत ही अच्छी दवा है, ज़रूर इसे पढ़िएगा और एलोज यूज़ कर सकते हैं 200 CH पोटेंसी में दो बूंद सुबह सुबह और साथ में आप कैल्केरिया फ्लोर 6x 6 गोली सुबह दोपहर शाम और बायो कॉम्बिनेशन नंबर 17 इसे भी 6 गोली सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो लाइक लाइव क्लिनिक तो ज़रूर लाइक करिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सर एक सवाल है सर, मेरे को जेलसी में सर प्लीज़ मेडिसिन फॉर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। देखिए एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की अगर प्रॉब्लम है तो RAT4 बहुत ही अच्छी दवा है। RAT4 10 बूंद सुबह शाम 1 चम्मच पानी के साथ लेना चाहिए और R9 भी यूज़ कर सकते हैं, R9 10 बूंद सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन 1 महीने तक लें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सर मेडिसिन फॉर लाइपोमा इन द राइट रिब, मतलब रिब के जस्ट ऊपर अगर लाइपोमा है तो लाइपोमा ही की दवा यूज़ होगी अनिक जी, उसमें कुछ अलग से दवा नहीं लेंगे। तो मोस्टली लाइपोमा के लिए A84 ड्रॉप बहुत अच्छा है। A84 ड्रॉप आप 10 बूंद सुबह दोपहर शाम या 20 से 25 बूंद मोस्टली यूज़ करते हैं उसको, 20 से 25 बूंद दिन में 2 से 3 बार लें और थूजा 200 CH पोटेंसी में दो बूंद सुबह सुबह यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सर, गले में 1 साल से कुछ भारी भारी सा लग रहा है। देखिए गले में अगर 1 साल से आपको कुछ भारी भारी सा लग रहा है तो ऐसे में आपको नक्समोमिका 30 दो बूंद शाम को यूज़ करना चाहिए, कैंट गैस कॉम्बिनेशन दो बूंद सुबह शाम यूज़ करना चाहिए और साथ ही साथ आप रेस्क्यू रेमडी 30 एक बूंद सुबह दोपहर शाम भी यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सर, IBS और डायरिया की प्रॉब्लम है। देखिए IBS के साथ अगर डायरिया हो तो आप पोडोफाइलम 30 दो बूंद सुबह शाम ज़रूर लें और साथ में हाइड्रस्टिस मदर टेंचर और थोड़ा सा कुर्सी मदर टेंचर, लगभग 80% हाइड्रस्टिस 20% कुर्सी मदर टेंचर दोनों को मिलाएं और मिलाने के बाद आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए और साथ में आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 8 भी लीजिए 6 गोली सुबह शाम, आपको बहुत आराम लगेगा। अगर आराम लगे तो मेडिसिन कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर मंथली पेन होता है और देखिए डिसमिन टैबलेट एक बार SBL की डिसमिन टैबलेट यूज़ करके देखिए, पीरियड्स के 2 दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद तक और आपको बहुत आराम लगेगा। गोली दिन में 4 बार लीजिएगा, चूसना है साथ में हर कोलोफाइलम 30
दो बूंद सुबह सुबह हर दिन यूज़ करना है लगभग 3 महीने तक, और पल्सेट इलाट हैटी दो बूंद सुबह सुबह हर संडे यूज़ करना है लगभग 3 महीने तक। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, तो ज़रूर पढ़िएगा और फिर यूज़ करके देखिएगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक अभी लगभग 9900 हो चुके हैं और लोग लगभग थोड़े से कम देख रहे हैं क्योंकि मैं हॉट टाइम पे आया हूँ। सर कैन आई गिव क्रेटेगस क्यू, अर्जुना क्यू एंड कैक्टस क्यू मिक्स हार्ट पेशेंट फॉर लॉन्ग टाइम? बिल्कुल दे सकते हैं, अच्छी दवा है, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाया भी होगा। एक सवाल है सर, माई डॉटर एज इज़ 65, 6.5, हर टीथ नॉट फॉलिंग आउट, प्लीज़ टेल वॉट टू डू। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अभी थोड़ा समय दीजिए, बिल्कुल दांत जो है वो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना टेंशन मत लीजिए। एक सवाल है, निकल जाते हैं कभी कभी, किसी का थोड़ा सा समय लग जाता है, बाकी अगर उनकी हेल्थ अच्छी हो, मेंटल हेल्थ अच्छी हो, फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, तो कोई समस्या नहीं। एक सवाल है, और ये सवाल है, हेलो सर, गाल ब्लडर में स्टोन है और लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं, उसमें पेन भी होता है, मगर उसके लिए कोई दवा बताएं। देखिए, अगर पेन हो रहा है गाल ब्लडर में तो चिलिडोनियम बहुत ही बढ़िया दवा है। चिलिडोनियम मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, और ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का लाइव सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसे नीचे एक शेयर की बटन दिखे ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।